तो रोज की तरह फिर हम लोग ऑफिस से लौट रहे हैं। अभी शाम के लगभग 6 बज रहे हैं और गाड़ी बहुत ज़्यादा हिल रही, क्योंकि रोड की कंडीशन सही नहीं है और मौसम भी एक नंबर हो रखा है। आप देख सकते हो भाई, एकदम बदली सी छाई है पर पानी नहीं बरस रहा है, तो ये अच्छा है अपने घर पहुंचने तक पानी ना बरसे। तो चलते हैं आगे। तो आप देख सकते हो मौसम एक नंबर हो रखा है भाई, और टहलने वाले लोगों की अब शुरुआत हो गई है, क्योंकि शाम का समय हो रहा है तो लोग टहलना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो इस टाइम स्टेट में कंपनी गार्डन का गेट है जो कि हम लोग जा नहीं रहे, हम लोग जा रहे हैं राइट साइड, और राइट साइड मुड़ने के बाद आपका पड़ेगा रोज़ की तरह कर्नलगंज चौराहा, और ये हम लोगों ने टर्न ले लिया है। तो बस रास्ते का मज़ा लीजिए और देखिए कितना सुंदर मौसम हो रखा है भाई, मौसम एक नंबर है। हे भगवान, ये लोग कौन हैं? ओके, विदेश से आए हैं। कोई नहीं, NRI को छूट है, कुछ भी कर सकते हैं, उन लोग को रूल नहीं पता होते हैं। और इन लोगों को देखिए भाई, आई थिंक ये कंपनी गार्डन की घास होगी। ये लोग कंपनी गार्डन में जाते हैं और जहाँ पर बेफजूल की घासें उगी होती हैं वहाँ की घासें ये लोग तोड़कर अपने पशुओं को देते हैं, या फिर बेचते भी होंगे, मुझे इसका जानकारी नहीं है। वैसे मैंने देखा है कि कुछ लोग बेचते भी हैं। तो अब हम लोग आ गए हैं अपने प्रीति नर्सिंग होम वाली रोड पर, जस्ट मेरे राइट साइड पर प्रीति नर्सिंग होम आने वाला है। मुश्किल से 100 मीटर की दूरी रह गई है। भाई साहब, ये लोग तो सड़क पार कर रहे हैं। सही है भाई, आ गए हम लोग। ये बोर्ड लगा हुआ है प्रीति नर्सिंग होम का, भाई कैसा चला रहा है भाई, डेंजरस था ये। आ गए हम लोग प्रीति नर्सिंग होम के बोर्ड के पास, और ये रहा हॉस्पिटल रोज की तरह, और आगे है अपना चौराहा। यहाँ पर मुझे मोबाइल रखना पड़ेगा ताकि मैं रोड क्रॉस कर सकूँ। तो रोड क्रॉस करके मिलते हैं। तो ये रही पंडित जी के चाट वाली दुकान, यहाँ पे भीड़ अभी भी उतनी है। और ये रही कर्नलगंज की रोड। तो हम लोग आ गए कर्नलगंज वाले रोड पर, और अब यहाँ से स्ट्रेट चलना होगा यूनिवर्सिटी की ओर। तो वहाँ चलते हैं, फिर देखते हैं, अगर कुछ लेना होगा तो लेंगे, नहीं तो घर। हम लोग जहाँ पर पार्क में घूमने जाते हैं, मैं वहीं से गुजर रहा था, और हम लोग इसी पार्क में रोज़ जाते हैं किट्टू के साथ घूमने। तो आपने पिछली वीडियो में देखा भी होगा, और इस टाइम तो मौसम भी बहुत अच्छा हो रखा है, तो शायद अगर टाइम मिलता है तो आए। वैसे तो किट्टू को बुखार हो रखा है, तो शायद वो ना भी आ पाए, बिकॉज़ कि उसकी तबीयत रात को भी ख़राब थी और दिन में भी ख़राब थी, दवा खा के किसी तरह से हैं, पर बच्चों की आवाज़ तो आ रही है। तो देखते हैं आते हैं या नहीं आते हैं, जैसा भी होगा आपको बताएंगे। तो मिलते हैं आगे, बाय बाय। तो रोज़ की तरह हम लोग फिर निकले हैं टहलने के लिए, और इसका मन कर रहा था घूमने के लिए, तो हम लोग घूमने के लिए निकले हैं, और देखते हैं कौन कौन मिलता है। ज़रूर रास्ते में कोई ना कोई पहचान का तो मिल ही जाएगा, और सब गाड़ियों को देख के बोलना है पापा की कार है, तो ऐसा तो नेचुरल है, वो हमेशा ही बोलता है। अभी गई किसी अधिकारी की गाड़ी को करते हुए। तो चलते हैं हम लोग आगे, टहलते हैं और देखते हैं कोई मिलता है तो उससे बात करते हैं। अभी के लिए तो हम लोग रोड पर निकल चुके हैं, और भाई साहब गाड़ियां तो बहुत सारी आ रही हैं। अब देखते हैं कोई जान पहचान का अगर मिल जाए तो
उनसे थोड़ी बात हो जाए। मुझे लगता है कि इस समय पर जान पहचान का कोई ना कोई तो मिल जाएगा, तो ढूंढते हैं कौन मिलता है। ओके, मुझे कोई दिखा तो भैया हम लोग को मिल गए फिर से वही वाले रोड पर टहलते टहलते, और इनसे पूछते हैं कि क्या हुआ, सब्जी तो ये लगा ही नहीं रहे। भैया आपका इंतज़ार मैं काफ़ी दिनों से कर रहा हूँ, लेकिन आप सब्जी तो लगा ही नहीं रहे हो, क्यों? थोड़ा तेज बोलेंगे, हम तो सब्जी खरीदने जाते ही होंगे। हाँ सब्जी तो खरीदने जाता हूँ भैया। कितना महंगा है? अच्छा तो कितने में हो गया है? कोई दिक्कत, महंगा होगा तो महंगा आदमी तो खरीदेगा भी ना। हो गया है मेन चीज, अगर खेला होता तो चलिए फेरी करके देख लेते, पर एक डर लगा के नहीं दिखा तो हमारे में लॉस हो जाएगा पैसा। अच्छा तो आपके हो चुका है 5,000-5,000 रुपये मेरा डूब गया। अच्छा तो सब्जी लगाई और रात को बिका नहीं तो दूसरे दिन खराब हो गई, फिर वही घर में इस्तेमाल हो जाता है, ऐसी बात नहीं। अच्छा नहीं बिकता तो दिन थोड़ा टूट जाता है। अच्छा ये बात सही कही आपने, अभी सब्जी बहुत महंगी, बहुत महंगी है। तो टमाटर क्या भाव चल रहा होगा? 100 तक बेच रहे हैं, 180 और 200 ऐसे बेच रहे हैं। शिमला मिर्च है वो भी 80 रुपये में हो गया है। अच्छा शिमला मिर्च थोड़ा सा गर्मी पाया खराब हो गया, खराब हो जा रही सब्जियाँ। पालक उधर लाने की इच्छा नहीं करता। तो आगे आपका प्लान क्या है, सब्जी लगाना है? मौसम भी सही हो जाए अभी देख रहे। अच्छा मौसम का वेट कर रहे हैं। तो देखिए भाई लोग, हम आदमी जो रोज़ का कमाना और रोज़ का खाना है वो भी परेशान ही है, क्योंकि सब्जी के रेट इतने ज़्यादा हो गए हैं कि वो सब्जी खरीद के लाते हैं और अगर बिकती नहीं तो फिर उसको लॉस ही सहना पड़ेगा। ऐसी बात है, धंधा में आपको अगर 4 पैसे वो जाने ही जाने। अच्छा कोई ज़रूरी नहीं कि आप ऊपरी कमाइए कर। हाँ अगर 5,000 लगाएं तो मान लीजिए 5,000 नहीं बिका तो आपका नुकसान ही तो हुआ, अब बिक गया तो आपका 1,500 रुपये वापस आ जाएगा, 1,000 रुपये मुनाफा कमाएंगे आप। अच्छा बेचने के ऊपर है भाई। तो मौसम की वजह से जो महंगाई आ गई है, हाँ बस उस वजह से आपको दिक्कत हो रही है, इसीलिए आपने सब्जी भी रोक रखी है। अब एक डर लगाते हैं। तो अभी इस टाइम क्या काम कर रहे हैं, दूसरा कोई प्रेस वाला करते हैं? अच्छा लॉन्ड्री का काम है आपका ना? हाँ घर ही पे करते हैं। हाँ तो बढ़िया है भैया। तो अपना कोई मोबाइल नंबर रखे हो क्या आप? भैया मोबाइल नंबर तो हमारा वही है जो आपको दिए थे, वो तो किसी और का था, आपने अभी तक खरीदा नहीं? हमारे पास नहीं, हम नहीं क्या करेंगे, मतलब पैसे नहीं हो पाए शायद, डूब गया पैसे। ओके तो ठीक है भैया, जब आप दुकान लगाओ तो एक बार मुझे आवाज़ देना अगर मैं उस रास्ते से गुजरता हूँ। पहचाने नहीं क्या? नहीं पहचान तो लिया, दूर से देख के ही पहचान लिया। तो मैं आगे बढ़ के आपने आवाज़ किया। हाँ हाँ थोड़ा थके हुए हैं, थोड़ा दूर से आ रहे हैं ना। चलिए ठीक है फिर, मैं दवाई लिए थे। अच्छा हाँ फीवर हो जाता है, वही दवाई ले के जो आ रहे हैं मोहक हॉस्पिटल से। अच्छा मोहक है बगल में जो है दिल्ली हॉस्पिटल ना। आप दुकान लगाने लगो तो मुझसे संपर्क कीजिएगा, एक बार आपका वीडियो फिर से मैं डाल दूँगा ना। चलिए ठीक है भैया, चलते हैं, बाय बाय। चलिए।